हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि टीजी टू न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 और 2023 के। दोस्तों यानी कि आज का जो चैप्टर होने वाला है यानी कि इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस, और इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस के सारा एमसीक्यू करेंगे जो इस बार टीजी टू में पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों के बीच यानी कि इतना बड़े संख्या में कंटेंट ला रहे हैं तो इसके लिए आप लोगों का फर्ज है, यानी कि फर्ज बनता है वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए कर रहा दोस्तों, यानी कि हीटिंग एलिमेंट के लिए कर रहा है। और हीटिंग एलिमेंट जो बना होता है दोस्तों यानी कि नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन किस में दिया है नाइक्रोम? ऑप्शन ए में दिया है कॉपर, तो कॉपर का नहीं बनाते हैं। बी में यूरेका का भी नहीं बनाते हैं। सी में टंगस्टन का भी नहीं बनाते हैं। दोस्तों यानी कि हीटिंग एलिमेंट जो बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, यानी कि विद्युत प्रेस में हीटिंग एलिमेंट के चारों ओर कौन सा अचालक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि हीटिंग एलिमेंट के जो चारों तरफ प्रयोग करते हैं वो किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि चारों तरफ जो प्रयोग किया जाता है यानी कि माइका का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि माइका का प्रयोग करते हैं। किसका? यानी कि माइका का, जिसको यानी कि अभ्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि अभ्रक कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है यानी कि माइका, यानी कि अभ्रक? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, खाद मिक्सर में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस में कर रहा है दोस्तों? खाद मिक्सर में कर रहा है। और दोस्तों यानी कि खाद मिक्सर में जो उपयोग करते हैं मोटर, वो यूनिवर्सल मोटर होता है। क्या होता है? यानी कि यूनिवर्सल यानी कि मोटर होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यूनिवर्सल मोटर? ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है यूनिवर्सल मोटर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, खाद मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है, इसकी घूर्णन गति क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि यूनिवर्सल मोटर का जो घूर्णन गति होता है किसका कह रहा है? यानी कि यूनिवर्सल मोटर का। और इसका जो यानी कि गति होता है यानी कि 1500 से लेकर के यानी कि 3000 आरपीएम तक घूमता है। ठीक है, यानी कि इससे भी ज़्यादा आरपीएम पे ये घूमता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं क्योंकि तो कभी कभी ऑप्शन के हिसाब से भी डिसाइड करना होता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों यानी कि 1500 से लेकर के 15000 तक, तो ये तो यानी कि ज़्यादा हो गया कुछ। बी में है यानी कि 3000 से यानी कि 14000। ठीक है भाई, सी भी पढ़ लेते हैं, 1000 से 5000, तो ये तो नहीं है दोस्तों क्योंकि 1500 से स्टार्ट ही होता है, 700 भी नहीं होगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1500 से लेकर के यानी कि 14000 आरपीएम तक इसका उपयोग करते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, वॉशिंग मशीन में कौन सी सिंगल फेज मोटर प्रयोग की जाती है। ठीक है, यानी कि वॉशिंग मशीन में जो मोटर प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार का मोटर होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि वॉशिंग मशीन में जो मोटर प्रयोग करते हैं वो कैपेसिटर स्टार्ट स्क्वायरल इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया हुआ है ऐसा? तो ऑप्शन नंबर जो दिया है यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, वॉशिंग मशीन में ड्रेंग पंप का कार्य होता है। ठीक है, यानी कि वॉशिंग मशीन में जो ड्रेंग पंप होता है उसका क्या कार्य है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो कार्य होता है मशीन में जो पानी को खाली करने के लिए, ठीक है, मशीन में पानी को खाली करने के लिए इसको लगाया यानी कि लगा होता है मशीन में। तो ऑप्शन किस में दिया है मशीन में पानी को खाली करना? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आज का दिया हुआ है, हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का क्या उद्देश्य है। यानी कि हीटर में जो यानी कि बेस प्लेट होता है उसमें विभिन्न स्थान पर सुरक्षा खांचा का क्या उद्देश्य है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो यानी कि हीटिंग एलिमेंट को दृढ़ता से रखता है। ठीक है, यानी कि दृढ़ता से रखता है हीटिंग एलिमेंट को। किसको? यानी कि हीटिंग एलिमेंट को दृढ़ता से रखता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन ए में करा, शॉर्ट सर्किट से बचाना ना इसका काम नहीं है भाई। राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, घरेलू वॉशिंग मशीन में पानी को बाहर यानी कि निकालना संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो घरेलू वॉशिंग मशीन में पानी को जो बाहर निकालना संबंधित है वो किससे संबंधित है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो संबंधित होता है ड्रेन पंप से। किससे? यानी कि ड्रेन पंप से। ठीक है, ड्रेन पंप से। ऑप्शन किस में दिया है ड्रेन पंप? तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है ड्रेन पंप। राइट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि बी सही हो जाएगा। ड्रेन पंप के द्वारा यानी कि पानी को बाहर निकाला जाता है। अब चलिए
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य क्या है। ठीक है, यानी कि मैग्नेट्रॉन ट्यूब जो लगा होता है ओवन में उसका मुख्य कार्य क्या है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो मुख्य कार्य होता है, ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन ए में दिया माइक्रोवेव सिग्नल को बढ़ाता है, तो सिग्नल को ये नहीं बढ़ाता है। बी में हरे आधे चक्र को ध्रुवता बदलता है, ये भी नहीं कार्य है दोस्तों। सी में दिया है दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति को उत्पादन करता है। तो दोस्तों यानी कि राइट कार्य जो है यानी कि माइक्रोवेव ओवन में जो मैग्नेट्रॉन होता है उसका मेन कार्य यही दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन करता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त यानी कि प्रशीतक कौन सा होता है। ठीक है, यानी कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में जो प्रशीतक होता है वो क्या है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि रेफ्रिजरेटर में जो प्रशीतक होता है, ठीक है, वो यानी कि फ्रियोन होता है। ठीक है, फ्रियोन कभी कभी आपको यानी कि ऑप्शन में फ्रियोन 12 के नाम से भी यानी कि देगा, तो आप लोग घबराना नहीं, उसी को टिक करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है फ्रियोन, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, हीटिंग एलिमेंट में ताप नियंत्रण कौन करता है, यानी कि हीटिंग एलिमेंट में जो ताप नियंत्रक करता है वो कौन करता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि हीटिंग एलिमेंट में जो ताप नियंत्रक करता है यानी कि थर्मोस्टेट करता है। क्या, यानी कि थर्मोस्टेट करता है। ठीक है, थर्मोस्टेट करता है, ऑप्शन नंबर किस में दिया है थर्मोस्टेट, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है थर्मोस्टेट। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आज का दिया हुआ है, गीजर के बाह्य आवरण और आंतरिक टैंक के बीच कौन सा पदार्थ यानी कि रखा जाता है। किस में कह रहा है दोस्तों, गीजर के बाह्य आवरण और आंतरिक टैंक के बीच जो पदार्थ रखते हैं कौन सा पदार्थ रखते हैं, यानी कि ग्लास बुल रखा जाता है। क्या रखा जाता है दोस्तों, यानी कि ग्लास बुल रखा जाता है। ठीक है, यानी कि ग्लास बुल रखा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है ग्लास बुल, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, थर्मोस्टेट जो ताप नियंत्रण का कार्य करता है इसका प्रतिरोध होना चाहिए। दोस्तों यानी कि जो यानी कि ताप नियंत्रक का कार्य करता है उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो प्रतिरोध होना चाहिए यानी कि कम से कम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कम से कम होना चाहिए। ऑप्शन किस में दिया हुआ है कम से कम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, गीजर का यानी कि तापमान सेट होता है। ठीक है, किसका कह रहा है दोस्तों, यानी कि गीजर का कह रहा है, और गीजर का जो तापमान होता है वो हमको बताना है। ठीक है, और दोस्तों यानी कि गीजर का जो तापमान होता है वो यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर के यानी कि 88 डिग्री तक होता है। कितना, 88 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, थर्मोकपल किसके सिद्धांत पर काम करता है। क्या, यानी कि थर्मोकपल क्या पूछ रहा है दोस्तों, थर्मोकपल पूछ रहा है, और थर्मोकपल जो यानी कि कार्य करता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों थर्मोकपल जो कार्य करता है यानी कि सीबेक प्रभाव पे काम करता है। किस पे, यानी कि सीबेक प्रभाव पे कार्य करता है। ऑप्शन किस में दिया है सीबेक प्रभाव, तो ऑप्शन ए में है पेल्टियर प्रभाव पे काम नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सीबेक प्रभाव। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में सबसे ठंडा भाग निम्न में से कौन सा है। ठीक है, यानी कि रेफ्रिजरेटर में जो सबसे ठंडा भाग होता है कौन होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि रेफ्रिजरेटर में जो सबसे ठंडा भाग होता है वो यानी कि वाष्पी कारक होता है। क्या होता है, यानी कि वाष्पी कारक होता है। ऑप्शन किस में दिया है वाष्पी कारक, ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है वाष्पी कारक। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, फोटोकॉपी मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, कौन सा मशीन, फोटोकॉपी मशीन, और दोस्तों यानी कि फोटोकॉपी मशीन जो कार्य करता है, ठीक है, यानी कि फोटोकॉपी मशीन जो कार्य करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव पे काम करता है। किस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव पे काम करता है। ठीक है, प्रभाव पे यानी कि काम करता है। ऑप्शन किस में दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, रेफ्रिजरेटर के सामान्य शीतलन कक्ष का तापमान रखा जाता है। किसके, किसका कह रहा है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर का, और रेफ्रिजरेटर का जो सामान्य तापमान रखा जाता है वो 4 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, माइक्रोवेव ओवन में कार्य करते समय आवृत्ति होती है। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन जो कार्य करता है
उसका आवृत्ति कितना होता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों, उच्च होता है तो उच्च नहीं बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उच्च को प्रीफर नहीं करना है, ठीक है। बी में दिया है निम्न आवृत्ति, तो निम्न आवृत्ति भी नहीं होता। ये जो होता है दोस्तों यानी कि अत्यधिक ऊँच होता है, ठीक है, अत्यधिक यानी कि ऊँच होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है, अति ऊँच आवृत्ति। सी में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, अगर फैन धीमी गति से गति करता हो तो कारण हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर फैन धीरे धीरे घूम रहा है, ठीक है, अगर फैन धीरे धीरे घूम रहा है तो इसका मूल कार्य होगा कि खुले संधारित है। क्या है, यानी कि खुले संधारित है। अगर धीरे धीरे घूम रहा है तो समझना कि खुला संधारित है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, खुला संधारित, तो ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, जहाँ पर कम दबाव पर अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता हो तो कौन सा पंप प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है दोस्तों, कम दबाव पर अधिक मात्रा में पानी की अगर आवश्यकता हो तो वहाँ पे जो दोस्तों यानी कि पंप का प्रयोग करेंगे वो यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा। क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, समरसीबल पंप किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है, यानी कि समरसीबल पंप जो होता है किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों ये जो कार्य करता है यानी कि अपकेंद्रित सिद्धांत पर, किस पे, यानी कि अपकेंद्रित सिद्धांत पर काम करता है, अपकेंद्रीय यानी कि सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में है अपकेंद्रीय सिद्धांत। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्त आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक है, प्लीज़ उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आगामी दिनों में उस पर नोटिफिकेशन मिलेगा यानी कि जॉब का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।